नमस्कार किन्नौर, अब तक में आज मैं आपको खुदाबख्श पब्लिक ओरिएंटल लाइब्रेरी पटना की सैर करवा रहा हूँ। खुदाबख्श पब्लिक ओरिएंटल लाइब्रेरी पटना हमारे देश के महत्वपूर्ण पुस्तकालयों में एक माना जाता है और इसे भारत की संसद ने भी, अपने देश की संसद ने भी राष्ट्रीय महत्व के संस्थान के रूप में मान्यता दी है। कहा जाता है कि खुदाबख्श पब्लिक ओरिएंटल लाइब्रेरी खान बहादुर खुदाबख्श, जो पटना के एक बेहद विद्या संपन्न और पुस्तक प्रेमी व्यक्ति थे, उनके द्वारा संग्रहित पुस्तकों और पांडुलिपियों का एक पुस्तकालय है। यहाँ 21,000 पांडुलिपियों का संग्रह है, जिसमें अरबी, फारसी और देश विदेश की अन्य भाषाओं की पांडुलिपियों के अलावा लाखों की संख्या में, करीब 1,20,000 की संख्या में मुद्रित पुस्तकें, प्रिंटेड बुक्स भी यहाँ पर उपलब्ध हैं। खुदाबख्श पब्लिक ओरिएंटल लाइब्रेरी की स्थापना में, नमस्कार, मैं हूँ राजीव कुमार झा और आज मैं आपको पटना के खुदाबख्श पब्लिक ओरिएंटल लाइब्रेरी के बारे में जानकारी दे रहा हूँ। खुदाबख्श पब्लिक ओरिएंटल लाइब्रेरी पटना हमारे देश के महत्वपूर्ण पुस्तकालयों में एक बहुत महत्वपूर्ण पुस्तकालय माना जाता है। कहा जाता है कि पटना में यहाँ के एक बहुत ही महान पुस्तक प्रेमी खान बहादुर खुदाबख्श के द्वारा इस पुस्तकालय को पटना में आज़ादी से बहुत साल पहले ही स्थापित किया गया था, लेकिन स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद इस पुस्तकालय में जो पुरानी पांडुलिपियाँ जितनी ज़्यादा तादाद में संग्रहित थीं, तो उसको देखते हुए भारत की संसद ने आगे चलकर खुदाबख्श पब्लिक ओरिएंटल लाइब्रेरी को राष्ट्रीय महत्व का संस्थान घोषित किया है और अब यह संस्थान भारत सरकार की देखरेख में संचालित है। खुदाबख्श पब्लिक ओरिएंटल लाइब्रेरी की स्थापना में मौलाना मोहम्मद बख्श की भूमिका भी बहुत महत्वपूर्ण है। ये खान बहादुर खुदाबख्श के पिता थे और उनके द्वारा संग्रहित पुस्तकों को भी संग्रहित किया गया है।